कथित तौर पर शिक्षक द्वारा छात्रा को भगा ले जाने के मामले में नया मोड़। छात्रा ने एसपी से मांगी पुलिस सुरक्षा। जी हाँ, राजसमंद जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र के दोवड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत एक छात्रा के लापता होने के बाद परिजनों ने उसी स्कूल के शिक्षक इंद्रजीत सिंह पर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए आमेट थाने में रिपोर्ट दी। 24 घंटे बीतने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों के साथ ही ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए और उन्होंने दोवड़ा विद्यालय परिसर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही इस घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और आरोपी शिक्षक इंद्रजीत सिंह को निलंबित करने की मांग की और छात्रा को दस्तियाब करने की मांग उठाई। इस घटनाक्रम के बाद इसी बीच में एक बड़ा मोड़ आया इस घटना में, जिसमें जो वह छात्रा थी, वह छात्रा राजसमंद में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के पास पहुंची और एक परिवाद के साथ हाईकोर्ट का आदेश भी संलग्न कर प्रस्तुत किया। उसमें उस परिवाद में छात्रा ने मांग की कि उसे पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। वह बालिग हैं और उसकी मर्जी से वह अपने शिक्षक इंद्रजीत सिंह के साथ में गई हैं। इस तरह का परिवाद जब पुलिस अधीक्षक को वह छात्रा देती हैं और साथ में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति भी देती हैं, जिसमें पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने का आदेश होता है, यह देखकर तत्काल एसपी द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती हैं। फिलहाल छात्रा पुलिस प्रोटेक्शन में है। दूसरी तरफ ग्रामीण जो कि सुबह से धरना दे रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि छात्रा को बरामद किया जाए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल उस मामले में जैसे ही नया मोड़ आया, इसके बाद पुलिस द्वारा ग्रामीणों को सूचित कर दिया, बता दिया कि छात्रा बालिग हैं और उसकी मर्जी से वह गई हैं और इसके तहत पुलिस की सुरक्षा में है छात्रा। और इस घटनाक्रम के बाद एक नया मोड़ सामने आ गया, जिसको लेकर सभी हैरान रह गए। जैसे ही गांव में परिजनों व ग्रामीणों ने यह बात सुनी कि बालिका राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची हैं, पुलिस सुरक्षा मांगी हैं और हाईकोर्ट का आदेश भी थमाया है। जैसे ही ये बात ग्रामीणों ने सुनी, परिजनों ने सुनी, वे भी सन्न रह गए। जी नमस्कार, आज एसपी कार्यालय में एक छात्रा और एक रिपोर्ट लेकर उपस्थित हुई है, जिसमें उसने हाईकोर्ट का आदेश साथ लाई है एक परिवार के साथ और उसने प्रोटेक्शन की बात कही और हाईकोर्ट के आदेश भी हैं कि प्रोटेक्शन उसको उपलब्ध कराया जाए और उसमें जो हमें निर्देश भी दिए हैं संबंधित SHO को प्रोटेक्शन के लिए और इस परिवार में जो भी तथ्य हैं उसके अनुरूप ये हमारी सरकार भी की जा रही है। इस घटनाक्रम के बाद फिलहाल छात्रा को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवा रखी है और दूसरी तरफ जो गांव में आक्रोशित ग्रामीण हैं उनसे पुलिस और प्रशासन द्वारा समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं कि अब कानूनन तौर पर छात्रा बालिग हैं, जो कि किसी भी की के भी साथ में रहने के लिए वह खुद ही निर्णय ले सकती हैं और इसी के तहत वह अपना निर्णय लेकर वह शिक्षक इंद्रजीत सिंह के साथ में गई हैं। जैसे ही यह बयान छात्रा द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए, इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है। इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।